क्या आप थोड़ी देर के लिए भी खड़े रहते हो, चलते हो या फिर रूटीन एक्टिविटी करते हो? इनके बाद आपका बैक बहुत ही ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, आपको बैक पेन शुरू हो जाता है और आप इनका इलाज करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको मैं एक सिंपल सी मसल रिलीज टेक्निक सिखाने वाला हूँ जिनको सिर्फ आप 2 से 5 मिनट के लिए भी करते हो तो आप यह बैक पेन और बैक स्टिफनेस में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। तो यहाँ पर यह बैक के संबंधी अलग अलग तकलीफें होने का सबसे बड़ा रीजन होता है हमारे टमी मसल की वीकनेस और हमारे बैक मसल की टाइटनेस, और फिर इनकी वजह से हमारे स्पाइन के संबंधी अलग अलग तकलीफें शुरू हो जाती हैं, जैसे कि लंबर स्पोंडिलोलिसिस, स्लिप डिस्क होना, लंबर स्टेनोसिस होना और जो फेसेट जॉइंट होता है वहाँ पर आर्थ्रोपैथी की शुरुआत हो जाती है। ऐसे अलग अलग स्पाइन की कंडीशन की शुरुआत हो जाती है पर इनका रूट कॉज होता है हमारे टमी मसल की वीकनेस और हमारे बैक मसल की टाइटनेस। तो इस वीडियो में आपको मैं बैक मसल को कैसे रिलीज करना है वह डिटेल में सिखाने वाला हूं। तो यहां पर आपको मैं सेल्फ रिलीज टेक्निक सिखाने वाला हूं जिनको आप घर पर ही बहुत ही आसानी से खुद कर सकते हो और ये मसल रिलीज टेक्निक को करके आप 3 बड़े बेनिफिट्स ले सकते हो। पहला बेनिफिट, आपके बैक के जो मसल्स होते हैं वह रिलीज होना शुरू हो जाता है और इनकी वजह से फिर आपको बैक पेन और बैक स्टिफनेस में तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। दूसरा बेनिफिट, हमारा जो स्पाइन होता है इनके दोनों साइड पर बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं वह भी दबने लगते हैं, इनकी वजह से यहाँ पर जो एनर्जी में गड़बड़ी आई है उनका भी नॉर्मल फ्लो शुरू हो जाता है। फिर हमारे स्पाइन के अंदर जो भी डैमेज हुआ उनका रिपेयरिंग काम, उनका हीलिंग प्रोसेस भी बहुत ही जल्दी से होने लगता है। तीसरा बेनिफिट, हमारा स्पाइन का अलाइनमेंट भी सही होने लगता है। तो आप यह मसल रिलीज टेक्निक को सिर्फ दिन में 2 से 5 मिनट के लिए भी करते हो तो आप यह 3 बड़े बेनिफिट लेके बैक पेन और बैक स्टिफनेस में बहुत ही बड़ा रिजल्ट ले सकते हो। तो यह मसल रिलीज टेक्निक को डिटेल में जान लेते हैं। लोअर बैक को रिलीज करने के लिए हमें इस तरीके का हार्ड टेनिस बॉल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर जो लोअर बैक का रीजन होता है यानी कि लंबर स्पाइन के दोनों साइड पर 2 फिंगर की दूरी पर हमें मसल को रिलीज करना है, स्पाइन के ऊपर हमें रिलीज नहीं करना है। तो यह 2 फिंगर की दूरी पर जो मसल्स होते हैं पैरा स्पाइनल मसल इनको रिलीज करना है। इनके अलावा मिडल में जो स्पाइन है इनसे 3 फिंगर की दूरी पर दोनों साइड पर एक पॉइंट आता है वह पॉइंट को रिलीज करना है। यहाँ पर QL यानी कि क्वाड्रेटस लंबोरम नाम का मसल होता है तो यह मसल जनरली टाइट होता है, इनकी वजह से आपको बैक पेन होता है तो यह मसल को भी हमें रिलीज करना है, यानी कि 2 जगह पर रिलीज करना है, 2 फिंगर की दूरी पर दोनों साइड पर और फिर 3 फिंगर की दूरी पर मसल को रिलीज करना है। यहाँ पर हमें 3 टेक्निक इस्तेमाल करनी है। यह 3 टेक्निक स्टार्ट करने से पहले हमें ट्रिगर पॉइंट फाइंड आउट कर लेना है। ट्रिगर पॉइंट यानी कि जिस पॉइंट को दबाते हो और आपको सीवियर पेन होता है, टेंडरनेस मिलती है, वह पॉइंट को पकड़ लेना है और फिर वह पॉइंट को हमें रिलीज करना है। यहाँ पर आपको 1 पॉइंट मिल सकता है या तो फिर 1 से ज़्यादा भी ट्रिगर पॉइंट मिल सकता है, तो सभी ट्रिगर पॉइंट को हमें रिलीज कर देना है। तो यहाँ पर आपको बॉल के ऊपर लेट जाना है, इनके बाद बॉडी को आगे पीछे साइड टू साइड हिलानी है, सबसे टेंडर पॉइंट पकड़ लेना है और फिर वह पॉइंट को हमें 3 टेक्निक से रिलीज करना है। जो पहली टेक्निक है इसमें हमें बॉल के ऊपर लेटे रहना है, बिना बॉडी को हिलाए लेटे रहना है 1 से 2 मिनट के लिए। इनके बाद फिर दूसरी टेक्निक में हमें बॉडी को साइड टू साइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करना है। इनके बाद तीसरी टेक्निक में हमें बॉडी को वर्टिकल यानी कि ऊपर नीचे मूव करना है। तो यह 3 टेक्निक को डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से बॉल के ऊपर लोअर बैक को रख के लेट जाना है, स्पाइन के ऊपर बॉल नहीं आना चाहिए, स्पाइन के दोनों साइड पर 2 फिंगर की दूरी पर, इनके बाद 3 फिंगर की दूरी पर हमें रिलीज करना है। पहले ट्रिगर पॉइंट फाइंड आउट कर लेना है, इनके बाद फिर ट्रिगर पॉइंट के ऊपर लेटे रहना है 1 या तो 2 मिनट के लिए लेटे रहना है। इनके बाद फिर हमें बॉडी को साइड टू साइड इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करना है, अच्छी तरीके से बॉल को दबा के रिलीज करना है, आपको हल्का हल्का पेन होना चाहिए। इनके बाद फिर हमें बॉडी को वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि ऊपर नीचे ऐसे मूव करना है,
बॉल के ऊपर दबाव रखना है, आपको हल्का हल्का दर्द होना चाहिए। यहाँ पर दोनों पैर को मोड़ के आप यह तीनों टेक्निक को करिएगा तो आसानी से आप बॉडी को रोल कर पाओगे। तो यहाँ पर जो मैंने टेक्निक आपको सिखाई, इनके जरिए आप बैक पेन, बैक स्टिफनेस में बहुत ही जल्दी से और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।